माय चैनल डीसीडी। आज मैं आपको बता रही हूँ पिज्ज़ा, जो बहुत आसान तरीके से घर में बनाया जा सकता है, जिसका टेस्ट बाज़ार के पिज्ज़े से भी अच्छा होगा, जो बिना ओवन के बनेगा, बिना तवे, बिना कढ़ाई के। जो मैं आपको बताऊँगी इसका एक नया सीक्रेट। सबसे पहले मैंने बाज़ार से पिज़्ज़ा बेच लिया है, इसको चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं। इसका वीडियो मैं आप बाद में अपलोड करूँगी। सबसे पहले ये पिज़्ज़ा बेस लिया है, इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे। इसे अच्छे से स्प्रेड करने मैंने चीज़ लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है अच्छे से। इसको इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी। ये जो मैंने वेजीज लिए हैं, शिमला मिर्च है, इसको मैंने अच्छे से धोकर और क्यूब में कट कर लिया है। छोटा साइज में भी कट कर सकते हैं इसको। फिर ये अनियन है, इनको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। चाहे तो इसमें आप मशरूम भी डाल सकती हैं, अगर अवेलेबल है तो। नहीं तो इससे काम चल जाएगा। अभी ये लिए हैं मैंने कॉर्न, स्वीट कॉर्न से, इसको मैंने हल्का सा बॉईल करके रखा हुआ है। बच्चे कॉर्न ज़्यादा लाइक करते हैं, उसमें मैं कॉर्न थोड़े ज़्यादा डालूंगी। इसके ऊपर मैंने लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स। और थोड़ा सा चीज इसको थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा और डाल दें। ये मैंने कुकर लिया है, अब इस कुकर के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। कुकर का, लेकिन कुकर का ढक्कन लगाने से पहले इसकी सीटी अपन को निकालना है। सीटी लगा के इसको नहीं लगाना है, बगैर सीटी के इसको देखिए फ्रेंड्स, सात मिनट में अपना पिज्ज़ा रेडी। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ।